यूपी के श्रावस्ती में अवैध खनन का खेल धड़ल्ले से खेला जा रहा है। खनन माफिया सरेआम अवैध खनन कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की आंख पर काली पट्टी बंधी है, उन्हें तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। श्रावस्ती में अवैध खनन का खेल, सफेद रेत का हो रहा है काला धंधा। खनन के खेल में शामिल हैं अधिकारी। यूपी के श्रावस्ती में रेत के लुटेरे। श्रावस्ती के राप्ती नदी के किनारे अवैध खनन का खेल धड़ल्ले से खेला जा रहा है। खनन माफिया और अधिकारियों की ऐसी सांठगांठ है कि अवैध खनन का ये गोरख धंधा दिन में भी चलता है, लेकिन आंखों पर काली पट्टी बांधे साहब देखते रहते हैं। खनन अधिकारी की आंखों पर नोटों की पट्टी ऐसी बंधी है कि ये दिखाई ही नहीं देता कि अवैध खनन की वजह से राप्ती नदी का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया है। श्रावस्ती में खनन अधिकारी के द्वारा मिली भगत से बहुत जबरदस्त तरीके से बालू अवैध खनन कराया जा रहा है, जिसमें राप्ती नदी से इतना बालू निकाल लिया गया है कि राप्ती नदी नाला बन गई है और पूरे जिले में जबरदस्त तरीके से चलाया जा रहा है। इसकी सूचना हमने जो है जिलाधिकारी महोदया और पुलिस अधीक्षक महोदय को कम से कम 15 दिन पूर्व अवगत करा दिया है, लेकिन हमारे जिले में खनन नहीं रुक रहा है। इसकी शिकायत हम मुख्यमंत्री महोदय से भी करेंगे बहुत जल्द। और ये देख लीजिए कि ये जो बालू देख, ये बालू है, ये मिट्टी नहीं है, ये राप्ती नदी से लाया गया है। श्रावस्ती में खनन माफियाओं ने ऐसा जाल बिछाया है कि सीएम के आदेश का भी असर यहां नहीं पड़ता। अधिकारियों के साथ मिली भगत कर खनन माफिया सरकार को रोज करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। यहां ना तो परमिट की जरूरत है और ना ही कागजात की। साहब के आगे नोटों की गड्डियां बिछाने से अवैध खनन की छूट मिल जाती है और फिर शुरू होता है खनन का काला खेल। दिन हो या फिर रात, पोकलेन से राप्ती नदी का सीना रोज चीरा जा रहा है। खेत वाले बोल रहे थे कि हम बोले 3 फुट इन लोगों को, तो ये हमारे जो मशीन वाले हैं ये बोलते हैं थोड़ा और ले लो। अच्छा, तो भाई हम नौकरी करते हैं, जहाँ खेत वाले बोले तो देखिए उतना हम ऊंचा किए हैं, देखिए अभी सामने। फिर जब ऊंचा कर दिए तो आगे बढ़ रहे हैं, अरे इतना क्या कर रहे हैं और थोड़ा नीचे करो तो हम क्या करें। ये जेसीबी है, पोकलैंड है, पोकलैंड है, एक्सकैवेटर बोलते हैं इसको। अच्छा, कितनी पोकलैंड चल रही है यहाँ पे? यहाँ पर सिर्फ अभी एक पीस है यही। जब हमने जिम्मेदारों से अवैध खनन पर सवाल किया तो कैमरे के सामने बोलने को कोई राजी नहीं हुआ। हालांकि जिले के प्रभारी मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह ने ये दावा कर दिया है कि अगर अवैध खनन हुआ तो इसके जिम्मेदारों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने सख्त निर्देश दिए हैं अवैध कटान के संबंध में और अवैध खनन के संबंध में। जो जहां पे पट्टा है वहीं से खुदाई हो सकती है, इसके अलावा कहीं हो रही है तो सीधे जिम्मेदारी कलेक्टर की होगी। राप्ती नदी का कोई ठेका नहीं है, फिर भी उसके बावजूद भी सफेद बालू का खनन हो रहा है, न्यायालय परिसर में उसकी पटाई हो रही है और निर्माण किया जा रहा नहीं। अगर ऐसी कोई स्थिति है तो आप मुझे अभी बता दीजिए, लिख के दे दीजिए, मैं अभी डीएम से कहता हूँ उस पर सख्त कार्रवाई करूँगा। अब मंत्री जी भले ही अवैध खनन पर कार्रवाई की बात कर रहे हों, लेकिन अधिकारियों और खनन माफियाओं की साठगांठ से अवैध खनन का खेल बदस्तूर जारी है। बहरहाल उम्मीद है कि अब अधिकारियों की आंख से काली पट्टी हटेगी और खनन का खेल बंद होगा। अभिषेक सोनी, श्रावस्ती, हिंदी खबर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।